नमस्कार, आज अपने बात करेंगे डिग्री में आगे कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। कल मैंने आपको डिग्री के बारे में कुछ चीजें बताई थी, डिग्री के टाइप बताए थे, उसी में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करूंगा कि अगर किसी सेंटेंस में, हमारा पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में कंपेरेटिवली या रिलेटिवली आ जाता है तो फिर ऐसे सेंटेंस में उसके बाद डिग्री कौन सी यूज होती है। अगर कंपेरेटिवली या रिलेटिवली आ जाता है तो ऐसे सेंटेंस में स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री का यूज करना चाहिए। कंपेरेटिवली या रिलेटिवली के बाद कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि अगर अपने बात करें हॉट, एक वर्ड है हॉट, गर्म, जिसका अर्थ होता है हॉट, पॉजिटिव डिग्री है, और हॉटर कंपेरेटिव डिग्री है, और हॉटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री? कंपेरेटिव डिग्री। ये कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन है कि द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉटर टूडे। कंपेरेटिवली, यहां पर वर्ड आ गया कंपेरेटिवली, तो इसके बाद की ये जो वर्ड लिखी है, ये जो डिग्री है, ये हॉटर, ये तो कंपेरेटिव डिग्री है, होना क्या चाहिए था यहाँ पर? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? हॉट। तो यहाँ पर हॉटर का प्रयोग ना करते हुए हमें किसका प्रयोग करना है? हॉट का। द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट टूडे होगा, हॉटर टूडे यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कंपेरेटिवली रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अगला रूल देखिए स्टूडेंट्स, जो कि इनफ से रिलेटेड है। इनफ के संबंध में ये कहा जाता है कि इनफ नाउन से तो पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद आता है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक में ऐसे बना सकते हैं, ई एन अपॉन ए ई, ई एन अपॉन ए ई, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एनफ का प्रयोग नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद होता है। याद करने का एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक मान लो आप इसको, ऐसे कह सकते हो, ई का अर्थ है इंग्लिश, एन का अर्थ है नहीं, ए का अर्थ है एडजेक्टिव और ए का अर्थ है आदि है और ई का इंग्लिश, यानी कि हम शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, अपनी तरफ से कोई ऐसी ट्रिक ऑथेंटिक नहीं है, बस वैसे ही मैं बता रहा हूं कि याद ऐसे कर सकते हो कि इंग्लिश नहीं आती आएगी इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब एनफ नाउन से पहले और आएगी इंग्लिश एडजेक्टिव के बाद। एनफ का प्रयोग नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद होता है। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, ई एन बटे ए ई लिखकर, कि ई एन इंग्लिश नहीं आती, ए ई आएगी इंग्लिश, बट इसका सही अर्थ क्या है? एनफ प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस एनफ, यानी कि एनफ नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद आता है। जब भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इस इनफ का यूज उल्टा पुल्टा करके पूछता है। आता तो ये नाउन से पहले है, क्वेश्चन में नाउन के बाद दे देगा, यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद आता है लेकिन एडजेक्टिव से पहले दे देगा, इस टाइप के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, कि गीता इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू विन दिस फाइट। अब देखो स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एनएफ का प्रयोग जो होता है वो एनएफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, बट यहाँ पर तो यहाँ पर पहले हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक है। इस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए था, एनएफ स्ट्रॉन्ग नहीं, यानी कि सही बनाना है तो सेंटेंस को क्या लिखना पड़ेगा अपने को? स्ट्रॉन्ग इनफ। तो स्ट्रॉन्ग इनफ लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर अपने पार्ट की बात करें तो ये ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, ये इसका सी पार्ट है, और ये इसका डी पार्ट है। इसके कौन से पार्ट में एरर हुई है? बी पार्ट में। तो यहां पर हमारा आंसर होगा यहां पर स्टूडेंट्स बी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एवरी स्टूडेंट हैज इनफ माइंड। तो इनफ का जब भी क्वेश्चन होगा गलती इसके आसपास, एरर इसके आसपास ही मिलेगी। तो यहां पर देखिए माइंड, माइंड क्या है स्टूडेंट्स? माइंड है नाउन, और एडजेक्ट इस एनएफ का प्रयोग नाउन के किधर होता है? पहले होता है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि इससे पहले ही हो रहा है, इसका मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ये ए पार्ट मान लेते हैं, ये इस सेंटेंस का बी पार्ट मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, और ये डी मान लेते हैं। तो इस सेंटेंस में कहीं भी गलती नहीं है, नो एरर होगा, और हमारा आंसर होगा यहाँ पर डी।
इसी तरह इस क्वेश्चन को देखिए, ही इज स्मार्टर इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एक चीज और आपको यहां पर नोट करनी है, वो कि ये जो एनफ के साथ जो एडजेक्टिव आता है, एनफ के साथ क्या याद रखना है कि एनफ के साथ केवल पॉजिटिव डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है। यहां पर एडजेक्टिव होता तो है एनफ से पहले, बट ये पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। ये जो कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये अलाउ नहीं है। तो हमने देखा यहां पर एनफ का प्रयोग हो रहा है और पहले एडजेक्टिव आ रहा है स्मार्टर, लेकिन स्मार्टर नहीं होगा, ये तो कंपेरेटिव डिग्री होगी स्मार्टर। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, स्मार्ट, क्योंकि एनफ के पहले एडजेक्टिव आता है, लेकिन शर्त यह है कि वो पॉजिटिव डिग्री में ही आता है। शर्त क्या है कि वो पॉजिटिव डिग्री में आता है, जैसे ये बात जो है ये वाली, कि ऐसा नहीं है कि एनएफ के बाद कोई भी एडजेक्टिव पढ़ा, चाहे वो सुपरलेटिव डिग्री का है, पॉजिटिव कंपेरेटिव डिग्री का, तो आप उसको सही मान लो। सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव चाहिए, जैसे ये रहा हमारे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव डिग्री होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, बट एनएफ के साथ कौन सा एडजेक्टिव आएगा, स्ट्रॉन्ग, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव अलाउ नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री भी अलाउ नहीं है, एनएफ के साथ सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो एनएफ के संबंध में अपने को दो बातें याद रखनी है, पहली बात तो ये, तीन मान लो, क्योंकि अगर एडजेक्टिव और नाउन और इस तीसरे रूल को मिला के देखें तो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एनएफ का प्रयोग नाउन से पहले होता है, दूसरी बात एडजेक्टिव के बाद होता है, तीसरी बात ये एडजेक्टिव जो होता है ये पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। ये तीन बातें एनएफ के संबंध में याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये ऊपर वाली बात जो मैंने भी बताई थी कि कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का यूज होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं हुआ तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, ओनली पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज की, इंटरचेंजेस करने हैं, क्या इंटरचेंजेस करने हैं, क्या परिवर्तन करने हैं, उनकी बात करेंगे। तो हम यहां पर अभी सीखने वाले हैं कि पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस हमें बदलना है। सेंटेंस कोई हमारे पास पॉजिटिव डिग्री का है और हम उसको कंपेरेटिव डिग्री में बदलना चाहें तो हम कैसे बदलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके तीन तरीके हैं, एक तो है एज एस, एक है नोट सो एस, एक है नो अदर एस। इन तीन तरीकों से हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। वापस बता रहा हूं कौन सा तरीका, एज एस से भी पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदला जाता है, नोट सो एस से भी कंपेरेटिव डिग्री में बदला जाता है, और नो अदर एज से भी कंपेरेटिव डिग्री में बदला जाता है पॉजिटिव डिग्री से। अब यहां पर हमारे पास तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक ये है कि एज एज से हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो उससे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमें क्या स्ट्रक्चर दे रखा होगा और हमें किस स्ट्रक्चर में उसको बदलना है। जैसे स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री का तो ये स्ट्रक्चर होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा, एज, एज और बीच में होगा पॉजिटिव डिग्री, फिर होगा ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसका कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस को बदलना है तो ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको अपने को ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम आएगी, और उसके बाद जो ये एज है इसको हम यहाँ हटा कर क्या लिखेंगे, नोट, और पॉजिटिव डिग्री को क्या लिखेंगे, कंपेरेटिव डिग्री, इस एज को भी हटा देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, देन, और ये जो ऑब्जेक्ट है तो आगे चला ही गया, अब इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लाना है हमें। इस तरह से पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री को हमें बदलना है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, शी इज एज गुड एज हर सिस्टर। हम देखेंगे कि ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर है, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट तो शी, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब तो इज, उसके बाद है एज तो ये रहा एज, उसके बाद है पॉजिटिव डिग्री तो ये रही पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद है एज ये रहा एज, उसके बाद है ऑब्जेक्ट तो ये रहा हर सिस्टर ऑब्जेक्ट।
पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हमें इस सेंटेंस को कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसका, हर सिस्टर, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया हर सिस्टर। उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, यही वाली हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो ये लिख दी यहाँ पर। उसके बाद अपने को क्या लिखना है, नोट, तो ये लिख दिया नोट, ये एज इट गया, हमारे पास नोट आ गया। और उसके बाद हमें कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है, पॉजिटिव डिग्री नहीं, पॉजिटिव डिग्री थी तो गुड, इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर। उसके बाद क्या लिखना होता है हमें, देन, तो हमने यहाँ पर लिखा देन। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट शी था, तो शी को यहाँ पर लिख दिया, तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन गई। तो पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाने के कितने तरीके हैं स्टूडेंट्स, तीन, एज एज, नॉट सो एज, नो अदर एज। पहला तरीका है हमारे पास एज एज, और ये एज एज कहाँ होगा, पॉजिटिव डिग्री को घेरे रखे रहता है ये, बीच में पॉजिटिव डिग्री, आजू बाजू एज एज। कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो इस पॉजिटिव तो कंपेरेटिव कर देंगे, एज और एज हट जाएंगे, पहले एज की जगह नोट, दूसरे एज की जगह देन आ जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है दूसरा तरीका कि हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाएं, तो दूसरा तरीका क्या है, देखो पहला तरीका तो ये था कि हमारे पास तीन तरीके हैं, एज एज, ये एज एज हो गया। दूसरा तरीका क्या है, नोट एज, जिसकी अभी अपने बात करने वाले हैं, नोट सो एज, ये हमारे पास दूसरा तरीका है। इस तरीके से भी हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बात करें, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री में तो ये होगा कि सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट्स होगा, पॉजिटिव डिग्री होगी, एज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब इसी सेंटेंस को जब हम कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हमें सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम ही लिखनी है, यहाँ पर नोट सो जो लिखा है इसको हटा देंगे हम, सीधा कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगी पॉजिटिव डिग्री के बदले, इस एज को भी हटा देंगे, इसकी जगह देन आ जाएगा, और इस सब्जेक्ट को जो है हम लास्ट में ले जाएंगे। इस तरह से करने से हम नोट सो एज वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, सीता, तो ये रहा सब्जेक्ट हो गया, इज, ये रही हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट सो, ये रहा नोट सो, और उसके बाद वीक पॉजिटिव डिग्री है, उसके बाद एज, ये रहा एज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रानी, तो ये रहा रानी। अब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो गया, और कौन से स्ट्रक्चर पर आधारित है, इस पर। अब हमें इस कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस को, हमने जो ये सेंटेंस बनाया ये किस पर आधारित होगा, इस पर। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है इस सेंटेंस का, रानी, रानी ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ लिया है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम, और नोट सो हट गया, नोट सो की ये राज्य से हट गया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा कंपेरेटिव डिग्री है, तो वीक की कंपेरेटिव डिग्री क्या है, वीकर, और ये जो बाद वाला एज है ये भी हट गया, क्या आया, देन, और फिर इस सब्जेक्ट को लिख दो सीता, तो ये बन गया रानी इज वीकर देन सीता, तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन गई। तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं नोट सो एज का प्रयोग करते हुए पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी है, इसी स्ट्रक्चर से हमारा ये सेंटेंस पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री में बदलेगा, जैसे कि हमने इस सेंटेंस को बदला। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई एम नोट सो क्लेवर एज गीता, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसे हमें कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ ऊपर वाले रूल को फॉलो करते, फिर मैं बनाता हूँ, फिर आप मैच करना कि आपका सेंटेंस सही था या गलत, एक बार बनाइए आप। देखो यहां पर अगर हम बात करें तो ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, हमें कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है। कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, गीता, तो हमने यहां पर लिख दिया गीता। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ये आई के साथ तो एम है, लेकिन गीता के साथ क्या होगा, इज, गीता इज, और यहाँ पर नोट सो है, बट यहाँ पर तो कोई नोट सो नहीं है, सीधा कंपेरेटिव डिग्री लिखनी है, ये पॉजिटिव डिग्री है क्लेवर, और इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी स्टूडेंट्स, क्लेवरर, क्लेवरर,
ये इसकी कंपेरेटिव डिग्री हो गई। ओके, उसके बाद इस एज को भी हटाना है हमें, एज की जगह क्या लिखना है, देन। तो यहां पर हम लिख देते हैं देन, और उसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आई, तो इस आई को यहां पर ले आओ। तो ये क्या बन गया, गीता इज क्लेवरर देन आई। पहला सेंटेंस क्या था, आई एम नॉट सो क्लेवर एज गीता, तो कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस क्या बन जाएगा, गीता इज क्लेवरर देन आई। ये सिक्स करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया। तो आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोई सा भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस को कंपेरेटिव डिग्री में इसी तरह से बदलना होता है। चलिए तीसरे तरीके की बात करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको मैंने जो तरीके बताए थे, हमने अब इस तरीके को पढ़ लिया है, एज एस को, नॉट सो को भी पढ़ लिया है, अब हम तीसरे तरीके की बात कर रहे हैं, नो अदर एज से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में कैसे बदलें, जैसे ये तरीका है। ये हमारा जो तरीका है पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बदलने का, ये तीसरा तरीका है और अंतिम तरीका है। नो अदर एज से हम कैसे पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं, उसको अपने को सीखना है। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले तो क्या दे रखा होगा, नो अदर, उसके बाद दे रखा होगा आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एज भी हो सकता है, सो भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी, और पॉजिटिव डिग्री, फिर एज, फिर ऑब्जेक्ट। जब इस सेंटेंस को अपने को कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है तो वही करना है कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर था इसको सबसे आगे ले आओ, और जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लेके आओ, और ये जो पॉजिटिव डिग्री थी इसकी जगह क्या लिख दो, कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद लिख दो देन। ये सो एज, ये दोनों हट जाएंगे, सीधा पॉजिटिव डिग्री को किसमें लिखना है, कंपेरेटिव डिग्री में, और इस पहले सो एज को हटाओगे तो कुछ नहीं लिखना, और पॉजिटिव डिग्री की जगह कंपेरेटिव डिग्री, दूसरे एज की जगह देन। अब आपको दो चीजें यूज करनी है, एनी अदर का भी यूज कर सकते हो, ऑल अदर का भी यूज कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि एनी अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑल अदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप एनी अदर का प्रयोग करते हो तो बाद में नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर आप ऑल अदर का प्रयोग करते हो तो बाद में नाउन प्लूरल होनी चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट दिया रहा है, जैसे यहाँ था ये सब्जेक्ट अंत में आना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये वाली है कि एनी अदर का प्रयोग होगा तो बाद में सिंगुलर नाउन होगी, ऑल अदर का प्रयोग होगा तो बाद में प्लूरल नाउन होगी। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये पॉजिटिव डिग्री का है कि नो अदर सिटी, नो अदर सबसे पहले आगे देखो ये रहा नो अदर, और उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सिटी सब्जेक्ट है, सिटी इन राजस्थान, ये पूरा सब्जेक्ट है सिटी इन राजस्थान, और उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो ये रही हेल्पिंग वर्ब, एज भी हो सकता है सो भी हो सकता है, तो ये रहे, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री हो सकती है, तो ये रही पॉजिटिव डिग्री, बिग, उसके बाद क्या होगा एज, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट। अब अपने को ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है किसमें बदलना है, कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव में बदलना है तो सबसे पहले क्या होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसका, ऑब्जेक्ट जयपुर है, तो जयपुर को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ, ये इस, इसी को उठाया, उसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कंपेरेटिव डिग्री, तो बिग पॉजिटिव डिग्री था तो इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है बिगर, और उसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट्स, देन, तो ये रहा देन। अब मैंने एनी अदर लिखा है, मैं ऑल अदर भी लिख सकता हूँ, एनी अदर लिखूंगा तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करूंगा, ऑल अदर लिखूंगा तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करूंगा, तो मैंने लिखा है एनी अदर, अब इसके बाद मैंने सिटी, ये सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया है, जयपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन राजस्थान, तो यहां पर कंपेरेटिव डिग्री बन गया। ये सब्जेक्ट ही तो था, ये जो लास्ट में अपने को सब्जेक्ट लिखना है, तो एनी अदर सिटी इन राजस्थान, अदर सिटी इन राजस्थान, इस तरह से हमने कंपेरेटिव डिग्री बदल दी। दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर हमने नो अदर सबसे पहले लिखा, नो अदर ये रहा सबसे पहले नो अदर, उसके बाद है सब्जेक्ट पोएट ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज, सो एज का प्रयोग किया, बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गई ग्रेट, फिर एज आ गया, फिर कालिदास जो है ऑब्जेक्ट आ गया। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, हमें कंपेरेटिव बढ़ने में बदलना है इसको, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना, तो कालिदास ऑब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इज लिख दिया, पॉजिटिव डिग्री ग्रेट है तो कंपेरेटिव डिग्री क्या है ग्रेटर,
उसके बाद क्या लिखना है देन। अब मैंने यहां पर एनी अदर का प्रयोग नहीं किया है, यहां पर मैंने ऑल अदर का प्रयोग किया है, और ऑल अदर का प्रयोग किया है तो फिर आगे क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल, तो इसलिए मैंने लिखा पोएट्स ऑफ इंडिया, पोएट नहीं लिखा, देखो हमने पोएट्स ऑफ इंडिया लिखा है, तो कालिदास इज ग्रेटर देन ऑल अदर पोएट्स ऑफ इंडिया, ये सही कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ। तो स्टूडेंट्स याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका भी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी है कि एनी अदर का प्रयोग करोगे तो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, ऑल अदर का प्रयोग करोगे तो नाउन प्लूरल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा तरीका था, ये इंपॉर्टेंट तरीका है। तो मैं फिर बता दूं आपको, जब आप पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाओगे, आपको पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया जाएगा तो नो अदर दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी, एज या सो में से कोई सा भी दिया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री दी जाएगी, एज दिया जाएगा और ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। ऐसे सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए अपने को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, यहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी वो लिखनी है, पॉजिटिव डिग्री ये एज एज सो एज ये सब हट जाएगा, पॉजिटिव डिग्री की जगह कंपैरेटिव डिग्री, और इस बात वाले एज की जगह देन, एनी अदर लिखोगे तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर लिखोगे तो प्लूरल नाउन, और जो भी सब्जेक्ट होगा ये वाला ये लास्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नो अदर, तो ये रहा सबसे पहले नो अदर, उसके बाद सिटी इन राजस्थान ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, एज या सो का प्रयोग हो गया, पॉजिटिव डिग्री होगी बिग, एज का प्रयोग हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया जयपुर। कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है तो जयपुर को सबसे पहले लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो इज लगा दिया, कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो बिगर कर दिया, उसके बाद देन लगाना है तो देन हो गया, और उसके बाद एनी अदर लिखना है ऑल अदर लिखना है, एनी अदर लिखना है तो सिंगुलर, और ऑल अदर लिखते तो प्लूरल का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तीन तरीके हो गए, वापस देख लीजिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पढ़ रहे हैं हम, हमने पहला तरीका भी देख लिया, यहाँ पर पहला तरीका कौन सा था एज एज वाला, दूसरा तरीका नॉट सो वाला, तीसरा नो अदर वाला। क्या सीखा हमने, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाना। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्सरसाइज है आपके लिए, यहाँ पर आपको मैंने पॉजिटिव डिग्री के कुछ सेंटेंस दे रखे हैं दो तीन, और उनको अपने को कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को आपको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना है, देखो किसमें क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन है इंग्लैंड इज नॉट सो Hot as India, ये positive degree का sentence है, इसको अपने को comparative में बदलना है। दूसरा question है No other peak of the Himalayas is as high as Mount Everest, ठीक है। तीसरा question है John is as clever as his friend, ये positive degree का sentence है, इसको comparative में बदलना है। तो तीन question है, एक एक की करके बात करेंगे। पहला question आप start करो, फिर मैं बताता हूँ क्या बनेगा। देखिए क्या बनेगा फटाफट, इंग्लैंड इज नॉट सो हॉट एज इंडिया। तो स्टूडेंट्स अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो यहां पर जो प्रयोग हुआ है किसका, कौन से रूल का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर नॉट सो और यहाँ पर एज का यूज हो रहा है। तो पीछे जाकर देखिए आप, नॉट सो ये वाला तरीका, ये वाला तरीका है नॉट सो और एज, इसी तरीके से यहाँ पर अपने को सेंटेंस बनाना है। नॉट सो और एज का प्रयोग हो रहा है, इंग्लैंड इज नॉट सो हॉट एज इंडिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने को क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडिया, और हेल्पिंग वर्ब वही उठानी है तो ये री हेल्पिंग वर्ब हो गई, इंडिया इज। अब ये नॉट सो को हटाना है और ये जो पॉजिटिव डिग्री है होट, पॉजिटिव डिग्री, इसको हम किस में बदलेंगे, कंपेरेटिव डिग्री में, और कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है इसकी, होटर, इंडिया इज होटर। अब इस एज को भी हटाएंगे और कंपेरेटिव डिग्री है तो यहां पर क्या लिखेंगे, देन, और फिर इस सब्जेक्ट को लिखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर, इंग्लैंड।
तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। क्वेश्चन क्या था, इंग्लैंड इज नॉट सो हॉट एज इंडिया, तो कंपेरेटिव डिग्री बनेगी इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड। तो स्टूडेंट कौन सा रूल लगाया मैंने, ये वाला रूल लगाया है, ये वाला नॉट सो एज वाला, कि मेरे पास सबसे पहले सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, नॉट सो था पॉजिटिव डिग्री, एज ऑब्जेक्ट, मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब, कंपेरेटिव डिग्री, देन और सब्जेक्ट, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया, इसी स्ट्रक्चर पर था ये हमारा क्वेश्चन, देख लो जाए। इंग्लैंड इज नॉट सो हॉट एज इंडिया, तो हमारा सही सेंटेंस क्या बनेगा, इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, ये कंपेरेटिव डिग्री बन गई। अगला क्वेश्चन है, नो अदर पीक ऑफ हिमालयस, पीक होती है चोटी, शिखर, पीक क्या होता है, शिखर या चोटी। नो अदर पीक ऑफ हिमालयस इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, ये भी पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसको कंपेरेटिव डिग्री में बदलना है, लेकिन कौन से रूल पर आधारित है, पीछे चलते हैं, तो यहां पर हमें ये मिल रहा है नो अदर और फिर एज, नो अदर इसका प्रयोग कर रहे हैं हम सेंटेंस में, तो देखते हैं यहां पर ये कौन सा, ये वाला तरीका, इस तरीके से बनाना है। तरीका पहले समझ लो कि आपको पॉजिटिव डिग्री में नो अदर दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, एज सो दे रखा है, पॉजिटिव डिग्री एज ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब आपको कंपेरेटिव डिग्री बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, कंपेरेटिव डिग्री लिखना है, देन एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करना है। एनी अदर का प्रयोग करोगे तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर का प्रयोग करोगे तो प्लूरल नाउन, और लास्ट में लिखना है सब्जेक्ट। इसी तरीके से इसको बनाइए आप, नो अदर पीक ऑफ हिमालयस इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, कंपेरेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। सोचिए क्या बनेगा यहां पर, नो अदर पीक ऑफ हिमालयस इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, पॉजिटिव डिग्री है, नो अदर एज वाला रूल यहां पर लागू हो रहा है, हमें कैसे इसको बनाना है कंपेरेटिव डिग्री में। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो तरीके हैं, ऑल अदर का प्रयोग करो या एनी अदर का, अपने इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका स्टूडेंट्स, माउंट एवरेस्ट, क्या है माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले हमने लिखा माउंट एवरेस्ट। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ये माउंट एवरेस्ट इज। उसके बाद क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो है पॉजिटिव डिग्री है हाई, तो इसका कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा, हायर, एच आई जी एच ई आर, माउंट एवरेस्ट इज हायर, और कंपेरेटिव डिग्री है हायर, तो इसके बाद क्या आ गया, देन, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन, और अगर आप एनी अदर लिखोगे जब तो क्या लिखोगे, एनी अदर, एनी अदर पीक ऑफ, पीक ऑफ हिमालयस, हिमालयस, यहां पर अपने ऐसे करना है। अगर आपने यहां पर एनी अदर लिखा है तो आपको यहां पर सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, जैसे कि पहले हमने देखा था, अगर आपने एनी अदर लिखा है तो सिंगुलर नाउन, अगर आप ऑल अदर लिखोगे तो फिर नाउन कैसी होगी, प्लूरल। तो मैंने यहां पर एनी अदर लिखा है इसलिए मैंने पीक लिखा है। अगर मैं इस एनी अदर की जगह यहां पर ऑल अदर का प्रयोग करता हूं, ऑल अदर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे लिखना पड़ेगा पीक्स ऑफ हिमालय। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक ऑफ हिमालयस, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल अदर पीक्स ऑफ हिमालयस। तो पीक्स तो तब लिखूंगा जब ऑल अदर का प्रयोग करना है, एनी अदर है तो पीक का ही प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जॉन इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड, यहां पर पॉजिटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री बनाना है, सिंपल सा रूल है एज एज वाला, जो कि तरीका नंबर पहला था, तरीका नंबर पहला ये वाला, इस तरीके से बात करनी है अब अपने को, एज एज का प्रयोग करना है यहां पर, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनाना है, जॉन इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड।
सोचिए क्या बनेगा हमें। जॉन इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड, जॉन इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड, इस सेंटेंस में अपने को पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट्स कैसे बनेगा सोचिए जरा। जॉन इज एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड सिंपल सा है, कौन से तरीके से बनाया है, एज एज के तरीके से, एज एज का तरीका यहां पर इस्तेमाल हुआ है। ये क्लेवर जो है ये पॉजिटिव डिग्री है, ये जॉन सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, एज आ गया, एज आ गया बीच में पॉजिटिव डिग्री, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने को पहले सबसे पहले क्या लिखना है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे हिज, यहां पर क्या लिखेंगे हिज फ्रेंड, ऑब्जेक्ट तो यही है ना, तो इसी को लिखना होगा हिज फ्रेंड। आगे क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इज, हिज फ्रेंड इज, और फिर क्या लिखना पड़ेगा नोट, नोट क्लेवरर, क्लेवरर आगे क्लेवरर कंपेरेटिव डिग्री है, तो देन और आगे है जॉन, आगे है जॉन। तो सेंटेंस क्या बना, जॉन इज एज क्लेवरर हिज फ्रेंड इज नोट क्लेवरर देन जॉन। क्लेवर पॉजिटिव डिग्री था, कंपेरेटिव डिग्री क्या बन गया स्टूडेंट्स क्लेवर। जो हमने तीन तरीके पढ़े उन तीनों तरीकों से रिलेटेड हमने यहां पर सेंटेंस का यूज किया है। यहां पर नो अदर वाला तरीका, नो अदर एज वाला तरीका लगा, यहां पर जो है नोट सो एज वाला तरीका लगा, और यहां पर एज एज वाला तरीका लगा। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री से कौन सी डिग्री बना रहे हैं, हम कंपेरेटिव डिग्री बना रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री बनाने के जो तीन तरीके हैं उन्हीं तरीकों के ऊपर ये क्वेश्चन थे। तीन तरीके एक बार फिर देख लो, पहला तरीका एज एज, पहला तरीका कौन सा एज एज, दूसरा तरीका कौन सा था नोट सो एज, इस तरीके से भी हमने सेंटेंस जान लिए। तीसरा तरीका क्या था नो अदर एज, इन तीनों तरीकों से हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहां पर हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनती है इसको सीखा है। अब आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इरेगुलर कंपेरिजन्स होते हैं, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कोई वर्ड दे दिया आपसे और पूछा जाए कि इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो वहां पर आपको इन शब्दों को ही कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए शब्द लेके आया हूँ कि ये पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। इनमें जो गुड है ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, अगर इसकी कंपेरेटिव डिग्री की बात करें तो बेटर होती है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है बेस्ट। तो कई बार वर्ड पूछा जाता है कि गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, गुड की बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इस टाइप से पूछा जाए तो ये इरेगुलर कुछ कंपेरिजन है जो अपने को याद रखने हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर तो हम क्या करते हैं कि ER लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बना देते हैं, EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास वर्ड था वाइज, अपने पास वर्ड था वाइज, वाइज होता बुद्धिमान, कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो क्या बन जाएगा वाइजर, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो क्या बन जाएगा वाइजेस्ट। तो यहाँ पर ER लगा दिया, यहाँ पर EST लगा दिया, ये तो रेगुलर तरीका है, मैं इरेगुलर तरीके की बात कर रहा हूँ। एक रेगुलर तरीका ये भी है, जैसे हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल, तो आप उस वर्ड से पहले मोर का प्रयोग कर दो या उससे पहले मोस्ट का प्रयोग कर दो तो भी बन जाएगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल, वर्ड क्या है ब्यूटीफुल, और उससे पहले अगर आप मोर लगा दोगे तो ये कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी मोर ब्यूटीफुल, और उससे पहले मोस्ट लगा दोगे तो सुपरलेटिव डिग्री, तो मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री। ये जो तरीके हैं ये रेगुलर हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं इरेगुलर की। तो गुड
पॉजिटिव डिग्री है तो बेटर, कंपेरेटिव, बेस्ट, सुपरलेटिव। इसी तरह बैड माने बुरा होता है, इसका कंपेरेटिव डिग्री रस्ट, और रस्ट जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। इसी तरह हम बात करें मच, मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपेरेटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और इसी तरह मेनी का भी सेम ही होता है, मोर कंपेरेटिव डिग्री, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और लिटिल का जो होता है कंपेरेटिव डिग्री होता है लेस, लिटिल खुद पॉजिटिव डिग्री होता है, लेस इसका कंपेरेटिव डिग्री होता है, लीस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है। फार जिसका अर्थ होता है दूर, फार्दर कंपेरेटिव डिग्री होता है, और फार्देस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो यहां पर इस तरह से ये डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव से कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आप किसी भी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER लगा दो, या फिर उससे पहले, ये तो अंत में ER लगा दोगे तो भी कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी, या पहले मोर लगा दोगे तो भी कंपेरेटिव डिग्री बन जाओगी। दूसरा तरीका है कि आप उस वर्ड के लास्ट में EST लगा दोगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी, या पहले मोस्ट लगा दो तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। ये जो ER और मोर लगाना या EST मोस्ट लगाना, ये तो स्टूडेंट्स रेगुलर तरीका कहलाता है, ये तो रेगुलर तरीका होता है। लेकिन कई बार जो है इस ER और इस EST वाले रूल को, या मोर या मोस्ट वाले रूल को फॉलो नहीं करके किसी दूसरे तरीके से कंपेरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बताई जाती है, तो उस तरीकों को क्या कहा जाता है, उसको इररेगुलर तरीका कहा जाता है, ये इररेगुलर कंपेरिजन कहलाता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो इररेगुलर कंपेरिजन है इसको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे संबंधित बातों को जानना पड़ेगा। तो एक बार वापस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने यहां से बात करना स्टार्ट की थी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से, कि पहली बात तो ये कंपैरेटिवली, रिलेटिवली के बाद डिग्री कौन सी आनी चाहिए, स्टूडेंट्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री दिया तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि एनफ जो होता है वो नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। अगली बात करें, इंटरचेंजेस करने हैं डिग्रीज के पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री, तो तीन तरीके हमारे पास, एज एस, नॉट सो एज, नो अदर एज। एज एज वाले तरीके में पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट पहले दे रखा होगा, हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, एज दे रखा होगा, पॉजिटिव डिग्री एज। कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नोट आएगा, कंपेरेटिव डिग्री देन और फिर सब्जेक्ट। और दूसरा तरीका है नोट सो एज वाला, इसमें पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, नोट सो होगा, पॉजिटिव डिग्री होगी, एज होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कंपेरेटिव डिग्री देन और सब्जेक्ट। तीसरा तरीका है नो अदर एज वाला, नो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट करेगा, सब्जेक्ट देगा, हेल्पिंग वर्ब देगा, एज या सो में से कोई सा भी देगा, पॉजिटिव डिग्री देगा, एज देगा, ऑब्जेक्ट देगा। कंपेरेटिव डिग्री बनानी है तो ऑब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, कंपेरेटिव डिग्री देन एनी अदर होगा तो सिंगुलर नाउन, और अदर होगा, ऑल अदर होगा तो प्लूरल नाउन, और लास्ट में सब्जेक्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन। और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने देख ही लिए हैं, ये इररेगुलर कंपैरिजन और आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स ये डिग्री से संबंधित आज हमने जो पढ़ा इंटरचेंजेस था, कौन सा, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री। कल अपने और इसी में आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब तक नमस्कार। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। नमस्कार।